देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है। कैश स्पेस में एक बार फिर FIIs की तरफ से हमने खरीद बनते हुए देखी है। कुछ समय पहले तक हम यहाँ पर माफ कीजिएगा, बिकवाली बनते हुए दिख रही है। 1741 करोड़ की बिकवाली हमने देखी है इस हफ्ते। कई बार हमने खरीदारी बनते हुए देखी। DIIs की बात करें तो इन्होंने खरीदारी की है अच्छी खासी, 2091 करोड़ के आसपास। और FNO स्पेस में FIIs की तरफ से देखा जाए तो 3552 करोड़ की खरीद देखने को मिली है। चलिए, तो जिस प्रकार के मिक्स पैक संकेत हैं, ऐसे में हमारे मार्केट्स में आपको क्या रणनीति अपनानी है, ट्रेडिंग लेवल्स क्या होंगे, इस पर विस्तार से बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। बताइए सर, बाजार में क्या किया जाए, कौन से लेवल्स पर आज फोकस करना है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, ढेर सारे संकेत हैं। एक और जहाँ रशिया यूक्रेन को लेकर गतिविधियां तेज होती दिख रही है, जो बाइडेन साहब यूरोप के दौरे पर हैं, आज पोलैंड पहुंचेंगे, तो बयानों का दौर चल रहा है, एक्शन रिएक्शन होते हुए दिख रहे हैं। तो देखते हैं इस पूरे वीकेंड पर आगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, तो वो बड़ा ट्रिगर होगा अगले हफ्ते के लिए बाजार के लिए। लेकिन आज हफ्ते के आखिरी दिन जो बड़ा ट्रिगर है वो आपके लिए अमेरिकी बाजारों से आता है। दिन की ऊंचाइयों पर जाकर मजबूती के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए। कल हम जब बंद हुए थे लगभग 150 पॉइंट के आसपास, डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, तो ये तो पता था कि अच्छी मजबूती रहेगी, लेकिन जितनी सोचा था उससे ज्यादा मजबूती हुई, पहली बार। दूसरा, कच्चा तेल फिर से $120 के नीचे आया, $5-$4 कम हुआ, थोड़ी राहत की बात वहां से आती भी दिख रही है। तो ये दो फैक्टर हैं जो अच्छे हैं। अब आइए, हफ्ते का आखिरी दिन है और अब फिर से युद्ध को लेकर बातें और गतिविधियां थोड़ी तेज हो रही, तो वीकेंड सेशन पर थोड़ा सा वो एक अलर्टनेस रहेगी। बड़ी तेजी बनने के पहले थोड़ा लोग वेट एंड वॉच वाले मूड में रहेंगे और अगले हफ्ते का इंतजार करेंगे। लेकिन आज से हम जिस हफ्ते में प्रवेश कर रहे हैं, ये मंथली एक्सपायरी है और बाजार बहुत ज्यादा पोजिशन में है नहीं इस वक्त, तो एक रिकवरी बनेगी और इस रिकवरी में हम थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए जो सपोर्ट रहेगा निफ्टी पर वो 17,000-17,100 की रेंज का रहेगा और ऊपर में 17,350-17,450 से वो रेंज जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी भी कल अपने सपोर्ट के बेहद नजदीक बंद हुआ है, तो 35,325-35,475 ये आज बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और फ्रेश कमजोरी बैंक निफ्टी में तभी दिखेगी जब 35,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे और ऊपरी स्तरों पर 35,900 से लेकर 37,150 ये वो रेंज हो सकती है जहां बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। सो आई थिंक वही होगा जो हमेशा हो रहा है पिछले 3-4 दिनों से, रेंज बाउंड ट्रेड, रेंज के ऊपरी सिरे पर आपको बेचना है। आज गैप से खुलेंगे, गैप से खुलने के बाद थोड़ा और बढ़ गए तो वहां पर आपके लिए बिकवाली का मौका होगा और वापस निचले स्तरों पर खरीदारी